तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, थोड़ा मुझे जुखाम है, तो अगर मैं सही से बोल ना पाऊँ तो कोई दिक्कत ना लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DLL फाइल्स की मॉडिफिकेशन के बारे में। अब जिनको भाई कोई भी आइडिया नहीं है कि ये DLL फाइल्स क्या होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं, उन लोगों के लोग मैं मतलब आगे उन लोगों को मैं बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आप लोगों का टाइम बचाते बचाते आप लोग को एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो दो लोगों को खासकर टारगेट करके मैं बना रहा हूँ। पहले लोग वो आते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर हैकिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर के ऊपर गेम हैकिंग करना चाहते हैं, उसमें मास्टरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है। और दूसरी टाइप के वो लोग जो लोगों को भाई सीखने की जिज्ञासा है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे हम लोग नई चीज़ें सीख सकते हैं। अगर कोई ऐसा वीडियो मतलब बंदा देख रहा है जो एंड्रॉयड वाला है, जिसको सिर्फ एंड्रॉयड के फ्री फायर के हैक से मतलब है, या फिर वो इन सब चीज़ों के लिए आया है, तो इसमें उसको ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। अगर आप अभी वीडियो छोड़ के जाना चाहें तो यहीं से आप लोग जा सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई अभी भी, ठीक है। तो आज हम लोग DLL फाइल के मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे और इसका मैं एग्जांपल लूँगा। गेटिंग ओवर इट एक गेम है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये गेम के बारे में पता होगा, जिसमें एक आदमी होता है, क्या कहते हैं, पतीले टाइप के चीज़ के अंदर फंसा होता है और वो हथौड़ा मार मार के मतलब जाता है, ऊपर जाने के उसको होता है, ठीक है। तो इस गेम में मैंने बहुत पता किया और चीज़ें पता करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें इसमें मिली हैं, जैसे कि इसके अंदर एक खास वर्क करती है ग्रेविटी। अब देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में अपने बताया था कि गेम के अंदर भी ग्रेविटी का काम होता है, जैसे हमारी धरती के ऊपर ग्रेविटी जिसकी वजह से हम लोग टिके हैं, वैसे ही गेम के अंदर भी एक ग्रेविटी होती है। अगर हम लोग मान लीजिए इस धरती में थोड़ा सा ऐसे जंप करते हैं तो कुछ ऊपर तक जाते हैं और गिर जाते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। तो गेम के अंदर भी ऐसी ग्रेविटी काम करती है, जैसे गेटिंग ओवर रेट है, अगर आदमी ने हथौड़े को ज़मीन पे मारा और अपने आप को ऊपर उठाया। अब जिन लोगों ने देखी इस गेम को खेला नहीं है, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, आप लोग YouTube पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा होता है, कैसे वो हथौड़ा मारता है और कैसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हथौड़ा मारा, वो थोड़ी देर ऊपर रहा और उसके बाद नीचे गिर गया। तो आज हम लोग इसी ग्रेविटी को हैक करने वाले हैं और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ग्रेविटी को अपने मन मुताबिक चला सकते हो, कि अगर हल्का से भी वो टच करे तो वो बहुत ऊंचा कूद जाए या फिर ग्रेविटी पूरी हम लोग ख़त्म कर देंगे, जिससे कि आदमी ज़मीन पर रह ना पाए और सीधे गेम हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। अब स्टार्टिंग में मैंने जो DLL की बात की थी, ठीक है, तो मैं उसके लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, DLL का मैं पूरा आगे ट्यूटोरियल एक लेके आऊँगा कि क्या DLL होता है और कहाँ पे ये पाया जाता है और गेम्स के अंदर DLL फाइल्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। बस अभी आप लोग इतना समझ लीजिए DLL फाइल्स के बारे में कि ये गेम का एक खास कंपोनेंट है। इसके अंदर गेम के अंदर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो गेम के अंदर फंक्शनैलिटीज़ होंगी, लाइक गेम के अंदर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है कि आदमी एक खड़ा है और वो हल्का उछलेगा तो इतने ही ऊँचे ले और वापस से नीचे चलाए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप DLL फाइल के अंदर सेव करते हैं। और एक खास चीज़ और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जो गेम हम लोग आज हैक करने वाले हैं, वो हमारा गेम होगा, क्या कहते हैं, गेटिंग ओवर इट, मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो हमारा यूनिटी बेस्ड गेम होगा, ठीक है। गेटिंग ओवर इट भी यूनिटी गेम इंजन के ऊपर बनाए, तो यूनिटी बेस्ड गेम होगा, ठीक है। और इसको हम लोग DN Spy नाम के एक सॉफ्टवेयर से हैक करने वाले, जो कि DLL एडिटिंग में बहुत काम आने वाला है और मैं अभी सॉफ्टवेयर के बारे में सीख रहा हूँ। बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं यूट्यूब पे और भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, तो मैं जितना ज़्यादा हो सके DLL के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फाइल्स होती हैं ये कैसे गेम के अंदर वर्क कर रही हैं, कैसे इनकी फंक्शनैलिटी आपके गेम को इन्हांस करती हैं या फिर इनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो गेम के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, मतलब आगे भी गेम में मैं आपको दिखाऊंगा ही। तो कोई भी देखिए ऐसा पर्सन नहीं हो मेरे वीडियो में जो कि बोर हो रहा हो, उसको नई चीज़ सीखनी हो, जो चीज़ मैंने सीखी मैं उसको सिखा रहा हूँ। और मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि हर रोज़ एक गेम हैक करूँगा, तो आज इस गेम को मैं करने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले गेम दिखाता हूँ और गेम के अंदर क्या चीज़ हम लोग हैक करने वाले, पहले हम लोग इस बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। और ये रहा हमारे पास गेटिंग ओवर इट गेम और मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने इसको लास्ट बार छोड़ा था। तो देखिए, अगर जो लोगों को ये गेम नया दिख रहा है तो मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें ये जो मटके जैसा आदमी है, हमें सिर्फ माउस की मदद से इस हथौड़े को भाई घुमा के इस टाइप से अगर हम लोग हथौड़े को ज़मीन पे मारते हैं, और ये देखिए हम लोग कितनी ऊँचे उछल पाए, यहाँ हथौड़ा मैंने मारा और ये देखिए इतनी ऊँचे हम लोग खाली यहाँ से उछल पा रहे हैं। ये देख सकते हैं ग्रेविटी हमारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है कि हमारे ये जो बकेट है इसको वो हमें नीचे खींच के लेकर आ रही है, ठीक है। अब ये मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो लोग न्यू हैं।
अब जो लोग इसको कभी खेले होंगे या फिर कोई फेमिलियर होगा इस गेम से तो उसको पता होगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है। तो मैं यहाँ से स्केप कर दे रहा हूँ, सिंपल से इस गेम को कट डाउन कर दे रहा हूँ। और अब हम लोगों को वो DLL फाइल ढूंढनी जिसके अंदर ग्रेविटी के फंक्शंस सेव है। तो DLL फाइल्स को ढूंढने से पहले मैं एक चैनल का आज आप लोगों को प्रमोशन देना चाहूँगा। देखिए मेरा, मैं इनको जानता नहीं हूँ बट मैंने इनकी वीडियोस देखी और मुझे अच्छी लग रही है। तो मेरे चैनल का हमेशा एक ये मोटो रहेगा कि आपको अच्छे लोगों से मिलवाया जाए। मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, बस रैंडमली मैं इनकी वीडियो देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी वीडियो। तो मैं आप लोगों को इनके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए इनका चैनल का नेम है अल्ट्रा एम, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कोई प्रमोशन नहीं, मैं इस बंदे को बिल्कुल नहीं जानता। तो मुझे इनकी वीडियो क्यों पसंद आई कि आप लोग इनकी वीडियो में ये लूडो वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इन्होंने पूरे लूडो गेम को स्क्रैच से बनाया है, यूनिटी गेम इंजन के ऊपर लूडो गेम को स्क्रैच से बनाया है। तो इसमें क्या चीज़ आपको अनोखी दिखेगी, आपको पता चलेगा कि जो ऑनलाइन लूडो गेम होते हैं वो उनके अंदर की फंक्शनैलिटीज़ कैसे काम करती हैं। अब आपको कोई ऐसे लूडो गेम बनाना तो नहीं सिखाएगा बट इन्होंने डिटेल में बताया है कि लूडो गेम कैसे बनता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन्होंने पूरे तरीके से बोर्ड को डिज़ाइन करना सब कुछ बताया है। तो प्लीज़ अगर किसी को इंटरेस्ट हो, किसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखना हो टाइम पास के लिए नहीं, तो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई वैसे इशू नहीं है कि आप दूसरों के चैनल पे जाएं बट आपको बशर्ते अच्छी नॉलेज मिले, देख सकते हैं। मैं वैसे जल्दी सब्सक्राइब नहीं करता किसी को बट मैंने इनको कर रखा है तो ये चीज़ आप लोग देख के खुद समझ सकते हैं, ठीक है। अब रही इनके चैनल की बात तो मैं अपने चैनल पे भी एक चीज़ आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी नया बंदा मेरे चैनल पे आ रहा है तो वो भाई इन सब चीज़ों को हमेशा ट्राई करे। सबसे पहले उसको ये top 3 गेम हैकिंग मेथड वाली वीडियो तो मस्ट है और उसके बाद वो कोई और वीडियो देख सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो आज मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ वो है DN Spy सॉफ्टवेयर, इसका नाम है। और बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे क्योंकि ये DLL की फाइल को मॉडिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके इसका इंटरफेस आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो ये DN Spy सॉफ्टवेयर आप लोगों को डाउनलोड कहाँ से करना है, मैं इसकी वेबसाइट की लिंक आपको दे दूंगा नीचे और वहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए मैं लास्ट टाइम मॉडिफाई कर रहा था कुछ DLLs को तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा बट मैं इसको स्टार्टिंग से बताऊंगा तो इसको मैं यहाँ से कट डाउन कर दे रहा हूँ और ये सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ से कट डाउन कर देंगे। एक चीज़ मुझे पहले और देखनी है, Ctrl+L, ओके ठीक है। अब मैं पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ से जब आप लोग अपना DN Spy खोलेंगे तो कुछ इस टाइप से ब्लैंक होगा, वो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं जिस DLL की बात कर रहा था वो लोग हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हर यूनिटी गेम के अंदर अगर आप लोग जाओगे, अब आप फोल्डर वेरी कर सकता है किस फोल्डर के अंदर वो हो पर ज़्यादातर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं गेटिंग ओवर इट के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे इसका ये जो डाटा है इसके अंदर हम लोग चले जाएंगे, मैनेज के अंदर चले जाएंगे जो चीज़ें मैनेज करती हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं असेंबली C# DLL। अब ये जो DLL फाइल बनाई गई है बेसिकली C# प्रोग्रामिंग से बनाई गई है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था ये top 3 गेम हैकिंग मेथड में कि 2 मेजर लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, C++ एंड C#। तो ये DLL C# से बनाई गई है। इस DLL के अंदर ग्रेविटी के फंक्शन सारे डाले गए और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं जो चीज़ें मैंने अभी तक इसमें एक्सप्लोर नहीं की हैं। ग्रेविटी के बारे में मुझे पता चला तो मैं ग्रेविटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये DLL फाइल्स बहुत ही काम करती है। इनके अंदर मॉडिफिकेशन करने का क्या मतलब है, आप गेम के अंदर कोई चीट कोड नहीं लगा रहे हो इनके अंदर मॉडिफाई करके, बल्कि जो गेम बनाया जा रहा होता है जो उसमें पहले चीज़ें डाली गई होती स्टार्टिंग में, आप उन्हीं को चेंज कर रहे हो। तो अगर ये कोई ऑनलाइन गेम भी होगा ना तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है ज़्यादा, कि इनको चेंज करने से आप लोग डिटेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं हमको लगता, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ से आप लोगों को भी ये असेंबली C# DLL मिल जाएगा, मैनेज के अंदर है ये। तो मैं इसको यहाँ से इसकी पाथ को कॉपी कर ले रहा हूँ और DN Spy के अंदर हम लोग चले जाएंगे, फाइल पे जाते हैं और यहाँ फाइल पे जाने के बाद ओपन करेंगे हम लोग इसको। और यहाँ पे देखिए मैं पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था तो यह पहले से ओपन है, तो मैं इसको फिर से पाथ को यहाँ पेस्ट करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक। आप लोग भी ओपन करिए और असेंबली C# DLL के ऊपर हम लोग टैप करके इसको ओपन कर देने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन की और ज़रूरत होगी, उसको ओपन करने के लिए ध्यान रखिएगा कीबोर्ड के ऊपर प्रेस ज़रूर करिए Ctrl+Alt+L।
यहाँ पे तभी आपको असेंबली एक्सप्लोरर खुल के आएगा जब आप कंट्रोल ऑल्ट और एल को प्रेस करेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए क्या चीज़ आपको प्रेस करनी है, कंट्रोल करना है, ऑल्ट करना है और एल को प्रेस करना है, ठीक है। जब आप लोग इसको प्रेस कर लेंगे तो आपको फिर कहाँ पे जाना है, assembly.c#.dll जो हमारी फाइल का भी नाम है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने यही फाइल ओपन की है। तो आपको इस फाइल को यहाँ से ओपन कर लेना है। आज आपको दिखेगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर कितनी पावर है और ये डिटेक्टेबल भी नहीं होता ज़्यादातर टाइम। तो assembly.c# में हम लोग चले गए हैं, इसके अंदर आपको ये वाला जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे ना, इसके ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा है, सिंपल से एक डैश है, इसको यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पे ग्रेविटी को ढूंढना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रेविटी कंट्रोल लिखा हुआ है, यानी कि हमारे गेम के अंदर जो भी ग्रेविटी वाला काम है, मतलब वो जो मटका उछाल रहा था ना, उसका जितना भी काम है वो इस फंक्शनैलिटी के अंदर होगा। तो ग्रेविटी कंट्रोल के ऊपर हम लोग सिंपल से टैप कर देंगे, तो यहाँ पे फंक्शन देख पा रहे होंगे physics2d.gravity=new vector2 और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू से क्या चीज़ पता चल रहा है आपको, कि यहाँ पे देखिए वैल्यू अभी नेगेटिव थॉट में गई है और नेगेटिव 30 है, समझ पा रहे हैं। नेगेटिव की वैल्यू, अगर किसी की मैथ स्ट्रांग होगी तो वो समझता होगा कि नेगेटिव में जितना हम लोग पीछे जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, समझ पा रहे होंगे, अगर आप कोई भी मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर कन्फ्यूज़ है तो सिंपल सा इतना समझिए कि यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव में अगर हम लोग 30 मैं कुछ शायद गलत बोल गया, नेगेटिव में जितना आप लोग पीछे नहीं, जितना आप लोग आगे जाएंगे, लाइक नेगेटिव 30 है, अगर इसको मैं नेगेटिव 20 कर देता हूँ, ठीक है, मैं गलत बोल गया स्टार्टिंग में, अगर मैं इसको नेगेटिव 20 कर देता हूँ तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लाइक यहाँ पे नेगेटिव 30 है, 30 ग्रेविटी है हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव 20 कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे बैक स्पेस ऐसे काम नहीं करेगा, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे टैप कर देना है और टैप करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है एडिट क्लास C#, ठीक है, एडिट क्लास C#। तो यहाँ पे हम लोग टैप कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं नेगेटिव 30 को यहाँ से हटा के नेगेटिव यहाँ पे मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ तो देखते हैं हमारी ग्रेविटी के ऊपर कितना असर पड़ेगा। नेगेटिव 3 हमने लिखा और मैं यहाँ से कंपाइल कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक सो, ओके, वेक्टर 3 एंड वेक्टर 2 नहीं हो पा रहा है, ओके, मैं एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, मैं दूसरे मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, एडिट मेथड C# हम लोग लिखेंगे, क्लास को नहीं एडिट कर रहे हैं, अब की बार हम लोग इससे करके देखते क्या होता है, ठीक है। -30 तो मैं इसको यहाँ से 0 हटा के 3 कर दे रहा हूँ और कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया इस बार। तो कंपाइल करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है और सेव ऑल कर देना है। सेव ऑल करेंगे तो इस टाइप से कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ओके कर देंगे हम लोग सिंपल से और यहाँ पे मॉड्यूल हमारा सेव हो गया। देखिए मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप एक बार करोगे तो आपसे बहुत ही आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास C# यहाँ पे एडिट हो गई है सिंपल से, अब हमें गेम को ओपन करना है और देखते हैं कि नेगेटिव 30 से जो हमने नेगेटिव 3 किया है उसमें हमारी ग्रेविटी के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको रॉन्ग बोल दिया कि जितना नेगेटिव में हम लोग ऊपर जाएंगे उतनी स्ट्रांग होगी ग्रेविटी, ऐसा नहीं है, उतनी ही ग्रेविटी खराब हो जाएगी आपकी। ग्रेविटी को अगर आपको कम करना है ना तो आपको 0 के पास आना पड़ेगा, आप अगर कोई भी मैथ बैकग्राउंड का है तो। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी देखिए मैंने हथौड़ा उठाया और ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस कर ले गए हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं कि अब हमारी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरी ग्रेविटी को, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग करते हैं मून ग्रेविटी या फिर जिसे हम लोग कहते हैं 0 ग्रेविटी। तो यहाँ से मैं इसको कट डाउन कर दे रहा हूँ और वापस से हम लोग अपने DN स्पाई के अंदर चले जाएंगे और वापस से हम लोग अपने उसी DLL को एडिट करने की कोशिश करने वाले हैं। आई होप कि कोई मेरी बातों से बोर नहीं हो रहा होगा, मैं गलत गलत बोल दूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि देखिए आपका भी स्टार्टअप है, मेरा भी स्टार्टअप है, बट हम लोग आगे काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखते रहेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे -3 हमने किया था, अब मैं इसको 0 करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एडिट मेथड हम लोग कौन से यूज़ कर रहे थे, सी शार्प, क्लास को नहीं एडिट कर रहे थे, सी शार्प पे गए। अब यहाँ -3 है और इसको मैं हटा के यहाँ से 0 कर रहा हूँ, तो हम लोग 0 ग्रेविटी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। कंपाइल कर दिया मैंने और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेव ऑल और ओके कर दिया मैंने, सेव कर दिया है। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारी ग्रेविटी के अंदर कितने चेंजेस आते हैं। गेटिंग ओवर इट, अब हम लोग यहाँ से फिर से ओपन करते हैं और अब आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे। आप लोग भी बोलोगे वाकई में यार DLL एडिटिंग काफ़ी कमाल की होती है, बशर्ते आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारी ग्रेविटी 0 हो चुकी है और हम लोग काफ़ी मतलब अच्छे से ऊपर जा रहे हैं। और आई थिंक सो कि शायद हमारा गेम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऊपर जा ही रहे हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स आने लगे। अब ये डायलॉग्स किस चीज़ के लिए, मुझे तो नहीं पता ये किस चीज़ के लिए डायलॉग दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं फंस चुका हूँ इसके अंदर। तो आई होप सो कि आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी इसमें कैसे काम करती है। सी शार्प में हम लोगों ने ग्रेविटी को मैनिपुलेट किया आज और मैंने आपको गेटिंग ओवरहेड का एक एग्जांपल दिया। पर मैं अगली वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में आपको एक कुछ खास चीज़ बताना चाहता हूँ, वो चीज़ आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ है TAS टेकन 3 में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो छोड़ के ना जाइएगा। ये क्या चीज़ होती है आपको मैं आज दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए TAS टेकन 3 मैंने डाला है। टेकन 3 अगर किसी ने भी खेला होगा तो उसको पता होगा TAS का फुल फॉर्म होता है टूल असिस्ट स्पीड रन। ये क्या चीज़ है टूल असिस्ट स्पीड रन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे इन फ्यूचर बात करने वाले। आप लोगों ने कभी भी टेकन 3 खेला होगा या फिर किसी ने कॉइन देके वो बॉक्स पे खेला होगा जब मैंने खेला था, तो आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी इतना परफेक्ट प्लेयर हो सकता है। परफेक्ट का मतलब मेरे सेंस में क्या है, आप लोग वैसे इसकी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा बट मैं एक छोटा सा आपको हाईलाइट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि दूसरे की वीडियो दिखाने से कितनी मुझे प्रॉब्लम हो सकती, बट मैं फिर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यार फिर से ऐड आ गया, बट आप ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा, TAS डालिएगा कोई भी गेम के आगे और देखिएगा गेम कितनी परफेक्टली वो लोग खेल रहे हैं। बट ऐसा हो कैसे रहा है, ये चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे इन फ्यूचर किसी एक वीडियो में, ठीक है। इसमें बहुत ही कमाल की टाइमिंग होती है और पता नहीं कुछ है चीज़ें जिनके बारे में अभी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक मैं गेम प्ले दिखा रहा हूँ किंग और नीना का, और ये देखिए, तो सामने वाले प्लेयर को भाई एक भी बार मारने का मौका यहाँ पे नहीं दे रहे हैं ये लोग, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कमाल का यहाँ पे प्लेइंग दिख रहा है। बट ये कोई रियल प्ले नहीं है, ये TAS जो लिखा हुआ है इसे टूल असिस्ट स्पीड रन कहते हैं, और इसके बारे में आप लोग पहले सर्च करिएगा। मैं भी आगे आने वाली वीडियोज़ में किसी वीडियो में मन होगा मैं बताऊँगा, और बहुत ही कमाल का टॉपिक है, इससे आप लोग गेम को अपने नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं अपने गेम प्ले को, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट करना, वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बस हम लोग मिलते हैं अब अपनी अगली कमाल की वीडियो में।